जब चुनाव के बाद उनको पूरा करने की बात आती है तो उनके पास उनको पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे ही हमने राजस्थान में भी देखे थे, अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, वहां के डिप्टी सीएम ने कहा, उन्होंने कई वादे किए थे, जैसे यहाँ पे वादे किए वैसे वहां भी वादे किए, और जब चुनाव के बाद उनको पूरा करने के लिए लोगों ने दबाव डाला तो उन्होंने कहा 40,000 करोड़ का जो राशि है वो हम विकास के कार्यों से, डिप्टी सीएम ने खुद कहा विकास के कार्य से निकालकर जनता के सामने जो हमने वादे किए उसको पूरा करने में लगा दिए। तो विकास ठप, और फिर जन कल्याणकारी योजनाओं में अगर आप देखेंगे कांग्रेस की सरकारों को या पिछले यूपीए की जो सरकार थी 10 साल की 2004 से 14 तक, तो अमूल चूल भ्रष्टाचार था। हर योजना में केवल भाई भतीजावाद, अपने लोगों को पैसा पहुंचना था, और यह कोई हम ही नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था, चाहे खनन की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, हर जगह आकाश से पाताल तक जो भी योजना थी उसमें भ्रष्टाचार था, और आम जनता के पास कुछ भी लाभकारी योजनाएं पहुंचती नहीं थी। हम 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने कहा था जब ये सेशन शुरू हुआ था कि पिछले 9 साल में, जब 9 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र हुए, 29 लाख करोड़ की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के, आम जनता के अकाउंट में पैसा सीधा ट्रांसफर करने में हमारी सरकार सफल हुई, और उसमें से 99% से भी ज्यादा सीधा लोगों के खाते में पैसा गया। तो पहली बात तो जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम से भ्रष्टाचार से अपने कार्यकर्ता, अपने परिवार, अपने लोगों को संतुष्ट करना, आम जनता तक उन योजनाओं का लाभ ना पहुंचाना, पहुंच पाना, यह एक प्रक्रिया है। दूसरी यह है कि अगर चुनाव में लोक प्रभाव ने आश्वासन दे दो उनको पूरा ना करो। हिमाचल को आपने देखे, हिमाचल में उन्होंने कहा था हम ये कर देंगे, हम ये वाले वादे कर देंगे, हम ओपीएस लागू कर देंगे, हम ये कर देंगे, ओपीएस जब बाद में लोगों ने कहा कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो तो कहने लगे केंद्र सरकार हमें पैसे दे। केंद्र सरकार ने कहा हमने जो पैसे देने थे वो हमने तो अलग एक फंड को दे दिए, केंद्र सरकार के पास वो पैसे नहीं है तो वो कह रहे हैं कि हमें पैसे दो, यानी झूठा लोक प्रभाव की बात है, यहाँ पे भी ऐसी बातें करते हैं। और आप देखिए पिछले 9 वर्ष पे हमें तो एग्जाम्पल देखता है ना, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कैसे काम किया, प्रदेश सरकारों ने क्या काम किया। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार पिछली बार जीती थी, इनने कहा था सत्ता में आते ही हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, कुछ नहीं किया, आखिर जनता ने फिर इनको बदला। तो केवल राजस्थान में जिस तरह से स्थिति है, जिस तरह की स्थिति है, सेम उसी तरह मैं बजट के कुछ फिगर आपको बताना चाहूंगा। लगभग 3 लाख करोड़ का पिछले साल का यह राजस्थान की सरकार का बजट है, 2,97,000 करोड़ का खर्चा है, और उसमें उस खर्चे में 93,766 करोड़ का यह कर्ज लेके काम करेंगे। मतलब जिस तरह से कर्ज लेके ये काम अपनी पुरानी योजनाओं को पूरा कर दे, अपने रेगुलर काम को नहीं कर पाते तो ये अलग जो प्रॉमिस किए वो पूरा नहीं कर पाएंगे, और साथ में जो 3 लाख करोड़ का खर्चा है उसमें से भी 56% ऑलरेडी या तो सैलरी में देना है या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे में लगाना है। तो जन कल्याणकारी योजनाओं को विकास के लिए या किसी तरह से आम जनता के हित की जो बातें हैं, पिछले भी बजट के अंदर कोई प्रावधान नहीं, पूरा करने की बात नहीं है, तो आगे कैसे करेंगे इसका कोई रोड मैप नहीं। तो असली बात यह है कि जनता को लोक प्रभाव ने वादे दे दो, अगर आपको करना था तो पिछले 5 साल की आपको जनता ने समय दिया था, क्यों नहीं किया, और आप उसको पिछले 60 साल की केंद्र सरकार की, कांग्रेस और यूपीए की सरकार के अंतर्गत और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार की योजनाओं की पहुंच देखेंगे तो आप देखेंगे कि 8.5 करोड़ लोगों को 9 साल में, महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंदर निशुल्क गैस कनेक्शन दिया। बाद में पता चला कि चूल्हे की भी आवश्यकता है तो केंद्र सरकार ने चूल्हे को भी निशुल्क प्रोवाइड करने का काम किया।
11 करोड़ से ऊपर शौचालय का निर्माण किया गया। अगर पिछले 60-65 साल में 2014 के पहले मात्र 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट लोगों के खुले थे, और पिछले इस हमारे जो 10 साल का कार्यकाल था, 9 जो पिछला 14 से लेके, उसमें लगभग 45 करोड़ बैंक खाते खुले। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना 3.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2.5 लाख रुपए का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, जिसमें वो मकान बना सकते हैं, मकान बनाते हैं। उसके साथ केवल यही नहीं, और सीधे बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। और आगे आप देखें तो जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अंतर्गत 5 लाख का जीवन बीमा, जो स्वास्थ्य जो बीमा है वो सरकार निःशुल्क प्रोवाइड कर रही है। कोविड इतनी बड़ी त्रासदी देश में हुई थी, कोविड के अंदर 230 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार ने निशुल्क वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया। तो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर देख लें, केंद्र सरकार इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में बिना किसी भ्रष्टाचार के सफल हुई है, कर रही है, मेहनत से कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश में हो या केंद्र में हो, जो जो भी प्रॉमिस करती है, जो जो भी आश्वासन देती है, उसको अक्षरशः पूरा करती है। आप लोगों को ध्यान होगा कि ये था कि 370 धारा 370 लोगों को लगता था कि देश में कश्मीर में धारा 370 खत्म हो ही नहीं सकती, लेकिन मोदी सरकार के बनने के बाद 2019 में पहला काम ये हुआ कि धारा 370 इस देश में खत्म हो गई। भव्य राम मंदिर का हमने प्रॉमिस किया था कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे, लाखों लाखों लोगों ने उसके राम मंदिर के बनाने के लिए बलिदान किया, लेकिन उस राम मंदिर को नहीं बनाया और उसके अंदर रोड़े अटकाए गए और लाखों लोगों को बलिदान उसमें देना पड़ा। हमारी सरकार बनी तो भव्य राम मंदिर जनवरी में उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो प्रॉमिस है उन चीजों को, प्रॉमिस को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मोदी गारंटी, यानी डबल इंजन की सरकार। जिन जिन प्रदेशों में अगर आप देखेंगे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे सरकारी जो लाभकारी योजना है वो सीधे उसका पेनिट्रेशन आम जनता के लगभग 70-80% तक के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल गया। आप ये देखें, और अगर प्रदेश सरकारें उन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग नहीं करती, सहायता नहीं करती, उसके साथ कोऑपरेशन नहीं करती, तो उन योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता तक पहुंच बहुत ही लिमिटेड हो जाती है। मैं तो पश्चिम बंगाल में देखा, पश्चिम बंगाल की सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार 6000 रुपए हर साल किसानों के खाते में दे रही है। वहां की सरकार जो है वो उस डेटा ही नहीं प्रोवाइड करती, क्यों? वो कहते हैं हमें पैसे दे दो, केंद्र सरकार जितना पैसा देना हमें दे दो और हम किसानों को देंगे। अब जब केंद्र सरकार कहती है हम एक क्लिक और बटन से सीधे हमें खाता दे दो, किसानों का नंबर, बैंक अकाउंट दे दो, हम केंद्र से सीधा वो खाता उस खाते में पैसा जमा कर देंगे, लेकिन प्रदेश सरकार उसको खाता और किसानों का डिटेल, नंबर, बैंक अकाउंट देने को तैयार नहीं है। उसके कारण वहां पे उन लोगों को वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे कई सरकारें हैं जहां प्रदेश के कि वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन जहां पे केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मतलब प्रदेश सरकार अगर केंद्र सरकार के साथ सामूहिकता के साथ मिलके काम करती है तो बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। अभी कल ही आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने, के जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, और उसमें प्रधानमंत्री कल भी बोले, आज भी बोले, मोदी गारंटी, जो जो चीजें हमने कही हैं अक्षरशः उनको पूरा करने के लिए संकल्प पत्र के रूप में हम लोग अपने संकल्प पत्र को यहाँ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें आज विश्व स्तर पे, अगर आप देखें भारत
भारत का जो गौरव है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। चाहे G20 को देख लीजिए, आज विश्व की कोई भी समस्या हो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत का जो पक्ष है उसको स्थान दिया जाता है, मिलता है। और उसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में चले जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। आज G20 के अंतर्गत पूरे विश्व के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भारत में आए, भारत की बात को सुना, भारत को सम्मान दिया। और आज पूरा विश्व इस बात को मान के चल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से चल रही है। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी केंद्र में, तो विश्व की 10 सबसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था को ला के खड़ा कर दिया था यूपीए सरकार ने अपने ये जो भ्रष्टाचार और इनडिफरेंस या कोई इनडिसीजन जिसको कहते हैं कि कोई चीज का कोई फैसला ही नहीं लेना, उसके कारण विश्व की 10 सबसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था हो गई थी। लेकिन इन 9 साल के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि तीसरी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे बहुत जल्दी। और आज भी विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली, तेज गति से आगे चलने वाली अर्थव्यवस्था है। और वहाँ पे राजस्थान की अगर आप अर्थव्यवस्था देखें, आज एक बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भारत की जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो प्रदेश का और केंद्र का जो स्ट्रक्चर है, उसमें प्रदेशों को दिवालिया घोषित नहीं किया जाता। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो राजस्थान का जो बजट है या राजस्थान का जो फिस्कल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वह दिवालियापन के कगार पे है। अगर इसको कंपैरिजन में देखें तो अगर 56% आपका बजट का हिस्सा केवल सैलरी और इसमें देने में खर्च हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें खर्च हो जाता है, मात्र 44% केवल पैसा बचता है कि कुछ आप अलग अलग चीजों को, कार्य को करें, उसको भी आप कम करते हुए और प्रॉमिस करने की बात करते तो पूरा होने की बात मुझे लगती थी। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश का बहुत तेजी से विकास होगा। जहां जहां प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के साथ सहयोग करते हुए सरकार काम कर रही है, तो जन कल्याणकारी योजनाओं का बहुत बड़ा पेनिट्रेशन जो केंद्र सरकार कर रही है पिछले 9 साल के अपने कार्यकाल में, उनका बहुत बड़ा पेनिट्रेशन उस जगह होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देख लो, प्रधानमंत्री जी ने अभी विश्वकर्मा योजना लागू की है 17 सितंबर को, उसमें 18 में छोटे छोटे कामगार, कोई नाई है, बढ़ई है, मोची है, ऐसे लोगों को भी विकास के लिए, कार्य के लिए केंद्र सरकार उनको सहायता प्रदान कर रही है। उनको टूल किट खरीदने के लिए विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत वो सरकार सहायता प्रदान कर रही है, उनके विकास के लिए उनको रोजगार मिलने के लिए काम कर रही है। उसके पहले स्ट्रीट वेंडर्स का जो सड़क में रेडी पटरी वालों के लिए जो काम किया केंद्र सरकार ने, वो भी अभूतपूर्व है। SBI की एक रिपोर्ट आई थी कि इसने अभूतपूर्व काम किया है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो कोविड के बाद केंद्र सरकार ने जिस तरह से कोविड के बाद विकास का काम, गरीबों को उसके उत्थान के लिए काम किया, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो 6 साल में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण के अंतर्गत जो काम किया है, वो कोई और नॉर्मल स्पीड से कोई सरकार काम करे तो 47 वर्ष, यानी 47 वर्ष के काम को मात्र 6 साल में पूरा करके केंद्र सरकार ने दिखाया है। तो वही भाजपा की सरकार परफॉर्मेंस और भ्रष्टाचार विमुक्त काम करती है, ये बात मुझे आपके सामने कहनी थी। और आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी राजस्थान में इलेक्शन होने वाला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में इलेक्शन पूरे हो गए, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्वास के साथ जनता का प्रेम स्वाभिमान प्राप्त करने में हमें पूरी तरह आशा है कि सफल हुई है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, राजस्थान में भी वैसी वोटिंग ही होगी।
लेकिन जनता को इस समय सोच समझ के विचार करके अपना मत देना चाहिए, यही प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की और सभी पदाधिकारी अमित शाह जी की सबका आपको निवेदन है। वही संदेश लेके हम आपके साथ आए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जो बड़े बड़े मीडिया के सारे लोग हैं उनके साथ करीब 3-3.5 घंटे बिताए। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह स्वच्छ भारत अभियान के को मीडिया ने जन जन तक पहुंचाया, जिसका जो विशाल परिणाम भारत में देखने को मिलता है, महिला सुरक्षा के रूप में, महिला सशक्तिकरण के रूप में, तो वह मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। वो भी आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि सही बात जनता तक पहुंचेगी, सही तरह से पहुंचेगी। महिला असुरक्षा पे तो बहुत बता चुके हैं, राजस्थान में जिस तरह से काम हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, योगी जी के नेतृत्व में किस तरह से 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, लॉ एंड ऑर्डर बुरा हाल था, फिरौती डकैती उगाही ये सारे काम हो रहे थे, महिलाएं शाम को घर से निकल नहीं पाती थी। मात्र 6 वर्ष में एकदम बदलाव उत्तर प्रदेश में आ गया और आज दूसरा सबसे तेज गति से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश खड़ा हो गया, जो कि बीमारू प्रदेश के रूप में जब विपक्ष की सरकार थी। तो वैसा ही काम यहाँ से प्रतिबद्धता के साथ हमें लगता है कि डबल इंजन सरकार के द्वारा हम करने में सफल होंगे। यही कह के मैं आप लोगों का धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आके समय दिया। और कोई बात होगी तो अपना चंचल जी अल सपात को आगे लेंगे।